नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। केम छो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 विषय हिंदी मां स्वाध्याय पोथी भणीशुं। काव्य 5 जय विज्ञान की जे भाग एक मा पाठ्यपुस्तक माथी आपणे भण्या हता, काव्य शब्दार्थ मुहावरे अभ्यास स्वाध्याय योग्य विस्तारता अमे तमने जे होमवर्क मा आप्युं हतुं दरेक विद्यार्थी मित्रोए लख्युं हशे। आजे आपणे स्वाध्याय पोथी मा भाग 2 भणीशुं, जय विज्ञान की। दरेक विद्यार्थी मित्रोए स्वाध्याय पोथी मा जवाब लखवाना रहेशे। હું જે અહીં સ્વાપોથી સોલ્વ કરાવું છું, દરેક મિત્રોએ પોતાની સ્વાપોથીમાં લખવાનું રહેશે। જય વિજ્ઞાન કી, અહીં કવિતાનો એક સરળ અર્થ આપેલો છે જે આપણે વાંચીશું। જવાન કી જય હો, કિસાન ઓર વિજ્ઞાન કી જય હો, વૈજ્ઞાનિક આવિષ્કારો છે, સુવિધાઓ કા સિલસિલા શરૂ હુઆ હૈ, इनसे लोगों के सुख भोग में वृद्धि हुई, उनके कारण समय और शक्ति की भी बचत हुई, जादू की तरह विकास हुआ, नए नए साधन बनाए गए। आज इन नए अनुसंधानों का जय जयकार हो रहा है। मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए। आज लोग पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं, जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले। विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है। इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, उसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान है जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो। इस नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा दुने गर्व से बातें कर रहे हैं। हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी शुभ लाएंगे। हमें मानवता के गीतों की फिर शुरुआत करनी है। अहीं प्रश्न एक शुरू थाय छे मित्रों, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से ही सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। एक नंबर, जय जवान जय किसान यहां एक खाली जगह है। ऑप्शन छे ही ए वाक्य, बी पंक्ति, सी कहावत, डी नारा। तेनो साचो जवाब आवशे मित्रों डी नारा। बे नंबर, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? ए क्रम, बी भ्रम, सी श्रम, डी शुरुआत। तो साचो जवाब आवशे मित्रों ए क्रम। त्रण, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? ए विनाश, बी विकास, सी विलास, डी प्रयास, बी विकास। चार नंबर, मानव शब्द का विरोधाती शब्द बताइए। ए पावन, बी फागुन, सी वामन, डी दानव। तो डी दानव। प्रश्न वे, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों का को पूर्ण कीजिए। एक खाली जगह का शुरू सिलसिला, जवाब आवशे सुविधाओं का शुरू सिलसिला। बे नंबर, नए नए खाली जगह बनाए उपकरण, तो नए नए उपकरण बनाए।
त्राण खाली जगह पर बातें कीजिए, मोबाइल तो मोबाइल पर बातें कीजिए। चार कंप्यूटर की खाली जगह आ गई, क्रांति कंप्यूटर की क्रांति आ गई। पांच बच्चे नई खाली जगह के बोले, शादी। जवाब आवशे मित्र आखो वाक्य फरीथी बोलीशु, बच्चे नए सदी के बोले। प्रश्न त्रण सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। एक नंबर जय जवान जय किसान का नारा, ऑप्शन आपेला छे अ गांधीजी ने दिया, ब जवाहरलाल नेहरू ने दिया, क लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। तो साचो जवाब छे क लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नए नए अनुसंधानों के कारण ही अ नए नए उपकरण बनते हैं, ब हम दूसरों का अनुकरण करते हैं, क नए नए उदाहरण दिए जाते हैं। एनो साचो जवाब आवशे अहीं नए नए उपकरण बनते हैं। त्रण नंबर विज्ञान के कारण हमें, ऑप्शन छे अहीं अ तरह तरह की दुविधाएं मिली, ब तरह तरह की सुविधाएं मिली है, क तरह तरह की रचनाएं मिली है। साचो जवाब छे अहीं मित्रों तरह तरह की सुविधाएं मिली है। प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न एक कवि किसकी जय जयकार करते हैं, एनो उत्तर छे अहीं कवि किसान जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। प्रश्न नंबर बे विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है, उत्तर छवेनो विज्ञान ने मानव को विजयश्री देने वाली डगर आसान बना दी है। प्रश्न त्रण वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है, उत्तर वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न चार यश पाने का मार्ग कौन सा है, यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। प्रश्न पांच हमें किसकी शुरुआत करनी है, उत्तर हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। छ नंबर समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, उत्तर कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। सात किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है, उत्तर टेलीफोन मोबाइल फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। आठ नंबर नो प्रश्न हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे, उत्तर हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। प्रश्न नौ क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं, उत्तर हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। प्रश्न 10 तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों, उत्तर हमें टेलीविजन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि
यहां तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। प्रश्न पांच, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? उत्तर चेनु वही, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते ही हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, उसमें किसी भी क्षेत्र में संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न छह, क्या होता बताइए। एक, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो? उत्तर, संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहे तब बात करने की सुविधा नहीं होती। प्रश्न बे, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो? आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। प्रश्न त्रण, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। प्रश्न सात, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। मित्रों, तमने चित्र आपेला छे अने बाजूना पेजे तमने जे जगह आपे छे ते एना जवाब लखवाना छे। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। पहलो चित्र छे मित्रों, अही लड़का पढ़ रहा है। अहीं जगह आपे छे मित्रों, तमारे त्यां जवाब लखवानो छे। एक नंबर, लड़का पढ़ रहा है। मोर नाच रहा है। त्रण नंबर, लड़की दौड़ रही है। चार नंबर, लड़का पानी पी रहा है। पांच नंबर, लड़का स्नान कर रहा है। छह नंबर, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। सात नंबर, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। आठ नंबर, धोबी कपड़े धो रहा है। नौ नंबर, लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ले जा रहा है। दस नंबर, बालक सो रहा है। ग्यारह, फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। बारह नंबर, लड़का पौधों को पानी दे रहा है। प्रश्न आठ, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक नंबर, उपकरण। आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। बे नंबर, मोबाइल। मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। त्रण नंबर, कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। चार, क्रांति। बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। पांच, खुशहाली। नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। प्रश्न नंबर नौ, निम्नलिखित साधनों के अंग्रेजी नामों के लिए हिंदी नाम लिखिए। एक नंबर छे टीवी, दूरदर्शन, रेडियो, आकाशवाणी। त्रण नंबर, टेप रिकॉर्डर,
ध्वनि मुद्रण यंत्र, 4 टेलीफोन, दूरभाष, 5 मोबाइल, भ्रमण भाष, 6 कैलकुलेटर, गणन यंत्र, 7 नंबर कंप्यूटर, संगणक, 8 फैक्स, चित्र संदेश, 9 इंटरनेट, अंतरजाल। प्रवृत्तियां, 1 नंबर, 4 वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों के नाम बताइए। वैज्ञानिक आविष्कार, थॉमस अल्वा एडिशन बिजली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, जी मार्कोनी रेडियो, जॉन लॉगी बेयर्ड दूरदर्शन। प्रश्न 2, जवान और किसान की किन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं? जवाब, जवान का अर्थ है सैनिक। ए राइफल, बंदूक, मशीन गन, गोला बारूद आदि लड़ाई में काम आने वाले अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं। किसान ट्रैक्टर के रूप में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करता है। मित्रों, अहीं आपणे स्वाध्याय पोथीमां भाग 2 पूर्ण थाय छे। काव्य 5 जय विज्ञान की नो भाग 2 अहीं पूर्ण थयो छे। दरेक विद्यार्थी मित्रोए पोतानी स्वापोथीमां लखाण करवानुं रहेशे। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ કમ્પલસરી નોટ અને સ્વાપોથી પૂરવાની રહેશે। આવજો મિત્રો।